See, you know, we're doing scrambled eggs. It's unbelievable. Oh, it doesn't have to be this actual. So say okay. Yeah. Okay, then we can take. You already taken one. Cool. This is the best pen ever we can get. That's what people are saying. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनाक्षीज लाइफस्टाइल। सो पहले मैं सोच रही थी कि ब्लैक फ्राइडे में लेने का, बट अच्छे डील्स भी नहीं थे और स्पेशली स्टेनलेस स्टील वाले पे कुछ भी डील नहीं था, तो नहीं लिया उस टाइम पे। एंड अभी हम लोगों ने जो लिया है ये कॉस्को से लिया है, बट शायद और कहीं पे भी अवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर, बट इसकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, विच इज़ हेक्स क्लैड। तो ये इसके कुकवेयर हैं, दिस इज स्टेनलेस स्टील कुकवेयर और आज तक का मेरा सबसे महंगा कुकवेयर सेट है। एंड मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कुकवेयर सेट लिया है, इससे पहले सिंगल सिंगल कुछ चीजें नहीं है, वो भी नॉन स्टिक। सो मुझे अवॉइड करना था नॉन स्टिक एंड एल्यूमिनियम, ये दो चीज थी अभी मेरे पास, तो मुझे दोनों को रिजेक्ट करके और स्टेनलेस स्टील पे आना था। सो जैसे हम लोगों ने कॉस्को में इसे देखा, सो वी थॉट कि लेके देखते हैं कि कैसा रहेगा। सो यूज तो नहीं किया अभी हमने, बट हाँ एक फ्रेंड है हमारे जिनके पास है ये, उन्होंने यूज किया भी हुआ है, तो आई थिंक कि ये अच्छा ही रहेगा क्योंकि उनने यूज किया है, अच्छा है उनके लिए। सो आई एम गोना अनबॉक्स इट। मैंने दोनों टाइप का सेट लिया है जो दोनों टाइप के अवेलेबल थे कॉस्को में, सो दैट कि मेरे पास सारा सेट जो रहेगा वो एक सा हो जाएगा। पैंस का भी दो टाइप के सेट हैं, पॉट सेट है और पैन सेट है, तो वो है पैन सेट में वॉक आता है एंड पॉट सेट में मैं दिखाती हूँ। सो इसमें आती है लाइफ टाइम वारंटी का कार्ड एंड ये क्लेम करते हैं कि ये लाइफ टाइम वारंटी देंगे। सो ये कार्ड है, ये आपको लॉग इन करना है एंड सारी चीजें करनी है। अभी मैंने किया नहीं क्योंकि मैंने अभी खोला है, सो कर लिया जाएगा फिर सारी चीजें, पेपर वर्क ये बाद में किया जाएगा। सो ये द फर्स्ट लिड है ये, एंड इसमें लिखा है कि ये जो ग्लास है दिस इज लाइक गोरिल्ला ग्लास लिड्स, तो ये भी और स्टैंड भी वो है स्टील है, देन फ्रेम भी स्टील है, सो जो चीज अच्छी है। एंड इसमें ये क्लेम करते हैं कि ये गर्म नहीं होगा एंड पैन का जो हैंडल है वो भी गर्म नहीं होगा। सो ये लिड्स तो अनबॉक्स हो गए। अब रही बात पैंस की, तो मैं पैंस की पैकिंग दिखाती हूँ पहले कि ऐसा पैकिंग है। अगर वैसे इंडिविजुअली शायद सिर्फ इसी के वेबसाइट पे है, दोज हु आर लिविंग इन यूएसए, तो मैं उनको बता देती हूँ कि इंडिविजुअल तो कॉस्को में नहीं है, ये सेट्स हैं सिर्फ। अगर आपको इंडिविजुअल लेना है तो आपको वेबसाइट पे मिलेगा इसके और अमेजोन पे भी शायद, बट वहाँ कॉस्टली है। सो इसमें ये ऐसा कैरी करने के लिए है, बाकी ये नॉर्मल बॉक्स है। और ये लोग क्लेम या मतलब हेक्स क्लैड क्लेम करता है पैन सेट और जो पॉट सेट जो मैंने लिया है, उन दोनों की क्वालिटीज हैं कि उसमें द फर्स्ट लेयर ये जो है ये नॉनस्टिक स्टेनलेस स्टील का वो है कोट, देन स्टेनलेस स्टील है उसके नीचे, देन एल्यूमिनियम है, देन स्टेनलेस स्टील है, ऐसा है। और इसके अलावा दिस इज लाइक ओवन सेफ है, मेटल यूटेंसिल सेफ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि स्टील का है एंड मेटल यूटेंसिल सेफ है, सो बेस्ट पार्ट इज दिस। एंड ट्राईप्लायर है, डिश वॉशर सेफ है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, PFOA फ्री है, स्क्रैच रेजिस्टेंस है, स्टे कूल मेटल हैंडल्स हैं उसके, दैट्स व्हाट आई सेड, ट्राईप्लाय कंस्ट्रक्शन है एंड लाइफ टाइम वारंटी है, दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। नॉन स्टिक इनसाइड एंड आउटसाइड, सो सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो नॉन स्टिक कोटिंग है वो इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है, तो दोनों जगह ही स्टिक नहीं होगा, मतलब घिसते नहीं रहना पड़ेगा वैसा वाला। सो ये है। सो
ये सारी चीजें हैं, मतलब जो कोड और ये सारी चीजें इसका बेनिफिट, देन ये सारी टाइप की गैस पे चल जाएगा, मतलब हाइब्रिड टेक, इंडक्शन, सिरेमिक एंड हैलोजन, नॉर्मल गैस पे भी, ओवन पे भी है, डिश वॉशर सेफ भी है, मतलब क्या क्या सेफ है ये सारा चीजें वो लिखी हुई है वैसा। So this is the first pan and wow, what a packing! मतलब पैसा खर्च किया यार, मतलब packing तो होनी चाहिए थी, मैंने उल्टा खोला था। So this is like the packing is in bag, ये जो tissue bags होते हैं, मतलब अच्छा heavy tissue bag है ये, and इस पे इसमें company का नाम लिखा हुआ है, hybrid cookware लिखा हुआ है, and ये ऐसा bag है। So, इसको ओपन करते हैं एंड दिस इज द पैन, डन डन। सो ये है कोटिंग जो मैं बोल रही थी, तो दिस इज द कोटिंग जो अंदर भी है, मतलब दिस इज द फ्रंट एरिया और ये सेम चीज ये बैक में भी है, तो दोनों ही चीज अच्छी है। एंड मतलब उस हम वहां पे कॉस्को में जहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जहां से हमने परचेज किया, वहां पे उन लोगों ने डेमो में लगा के रखा था, सो दैट गाय वॉज like literally scratching on this, and उन लोगों ने claim भी ये चीज की है कि स्क्रैच तो नहीं आएगा, metal वो भी आप यूज कर सकते हो, utensils भी, और अगर आप मतलब desperately अगर छेद करना चाहते हो तो वही बात है, otherwise तो कुछ नहीं होने वाला। So the pan looks like this, और अच्छा मतलब काफी heavy है and handle भी अच्छा खासा है, मतलब heavy है, तो quality wise is good, very good। So ये कुछ ऐसा है। So मुझे सबसे अच्छी चीज लगी इस सेट की वो है ये पैन, इज ओके लाइक पैन तो नॉर्मल साइज, मेरे पास सिरेमिक वाला था पहले, तो हमने वो कॉस्को से लिया था, तो वो भी काफी अच्छा है बिकॉज इसका शेप जो है कढ़ाई जैसा है, मतलब इंडिया में जो कढ़ाई होती है वैसा है, तो बिल्कुल वैसा ही शेप है पूरा, ऐसा गोल टाइप का, मतलब ऐसा कर्व है काफी अच्छा, ऐसा आई डोंट नो देख के इतना समझ में आ रहा है या नहीं, मैं पिक्चर लगा दूंगी, बट बहुत ही सही चीज लगी थी मुझे ये, और ये नॉर्मल सब्जी वब्जी और सारी चीजें बनाने के लिए बहुत अच्छा है। सो दिस इज द बेस्ट इन दिस लाइक होल सेट। सो ये है टोटल 7 पीस, सो दिस 2 are 12 inches एंड ये दोनों जो लिड हैं इसके लिए और इसके लिए कॉमन है। देन दिस इज द स्मॉलेस्ट पैन जो है 8 inch का एंड दिस इज 10 inch, सो 8, 10 and 12, और पेन और सारी चीजें सारी क्वालिटी इज कॉमन फॉर एवरी। ये स्टेकेबल भी है, दैट इज अ गुड पार्ट, क्योंकि जगह कम होती है भाई, तो एक पेन के अंदर एक एंड देन इसके अंदर ये एक एंड आई थिंक ये इसके अंदर आ जाएगा, सो ये इतना तो हो जाएगा, बाकी लिट्स आई थिंक तो नहीं होगी। सो या हो रहा है वो, मैंने गलत रखा, जो सबसे बड़ा पैन है मतलब वॉक उसी साइज का है ना, तो वो थोड़ा अंदर डेप्थ में, तो उसमें अपोजिट करके रख दिया मैंने ये उसका लिड और ये ऐसा हो गया, एंड मतलब ऐसे रख लो फिर अल्टीमेटली ऐसे हो जाएगा, इतना हो सकता है, दिस इज द बेस्ट। एंड मुझे अच्छी चीज याद आई एंड में कि इसमें ये जो पैन्स है, क्योंकि ये डायरेक्ट आप यूज करोगे कोई ऑमलेट बनाने के लिए या कोई भी चीज ऐसे डायरेक्ट रॉ बनाने के लिए चीजें, तो उसके लिए इसको पहले सीजन करना पड़ता है, जस्ट फॉर द फर्स्ट यूज कर रहे तो फर्स्ट टाइम उसमें ऑयल डाल के सिर्फ एक जो थिन लेयर होती है एक नीचे जो बॉटम है उसका सरफेस उस पर एक थिन लेयर ऑयल हो जाना चाहिए बस इतना, और कोई भी ऑयल, और उसके बाद फिर उसको इधर ऐसे 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 राउंड करके मतलब पूरा सरफेस कवर हो जाए वैसा करना है एंड 10 मिनट तक रखना है, एक बार सीजन हो जाएगा एंड उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद मतलब ऑयल रिमूव करके आप दूसरे पैन्स में यूज कर सकते हो सेम ही ऑयल, और फिर उसको टिश्यू से साफ कर लो एंड उसके बाद नॉर्मल यूज करो, मतलब नॉर्मल फिर वॉश, अगर आप नॉर्मल स्पॉन्ज यूज करते हो स्कॉच ब्राइट टाइप का या ऐसा कुछ तो उसमें चलेगा, बट एक कुछ तो लिक्विड बता रहा था वो बंदा, आई डोंट रिमेम्बर वो, या फिर एकदम जो लोहे वाले होते हैं उस टाइप के उससे या वैसा कुछ, तो उससे करेंगे तो आपको फिर से सीजन करना पड़ेगा एक बार फिर से, अदरवाइज नहीं जरूर। सो दिस इज द नेक्स्ट वन, सेम टाइप का ही है
बस डब्बा थोड़ा छोटा है क्योंकि इसमें सेट जो है वो मतलब तीन ही चीजें हैं इसमें, और पैकिंग तो भाई धांसू पैकिंग है। ये सारा वही पेपर वर्क है नॉर्मल जो कि हम करेंगे बाद में, और ये इसका पैकिंग थोड़ा सा अलग है, ये इसके मतलब क्या बोलेंगे उसको डब्बे थोड़े अलग हैं क्योंकि तीन है चीजें, तो ऐसा सबसे बेस्ट चीज ये है तो मैं यही खोलती हूँ। मतलब इस सेट का मुझे सबसे अच्छा जो लगा था वो था ये। सो हमारे कैमरामैन को बाद में पता चला है कि लाइट कम लग रही है, सो पहले वाला वीडियो जो आपने देख लिया उसमें थोड़ा बेयर विद मी थोड़ी लाइट कम के साथ, एंड नाउ जगमगा गई हूँ मैं। नए बर्तन आ गए भाई, जो की है एक पॉट, एंड मुझे तो यार सबसे अच्छी चीज लग रही है मतलब डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा इस चीज, पैकिंग इज नाइस लाइक 10/10 पैकिंग है, सारी चीजें प्रॉपर बैग में पैक डाली है, एंड द बेस्ट ऑफ दिस सेट मतलब अब कहूं मैं ओवरऑल मतलब यार ये काफी बड़ा है, मतलब मुझे लग रहा था ये नॉर्मल थोड़ा सा छोटा रहेगा बट ये सच्ची में बड़ा है। ये मतलब मुझे क्योंकि हम लोग पार्टीज करते रहते हैं और पार्टीज में जब ज्यादा बनता है खाना तो उसके लिए अच्छा यूज होता है। सो ये रहे ये तीन, सो दिस इज लाइक पॉट सेट, एंड मैं एक चीज बताना भूल गई थी कि ये जो कॉस्को से जो हमने लिया है दिस इज लाइक कमर्शियल वन, उस पर लिखा हुआ है कि कमर्शियल हेक्सक्लेड हाइब्रिड क्वेयर, मतलब बॉक्स पे लिखा है, मैं उसी को पढ़ के बता रही हूँ यहाँ से, एंड आई एम नॉट श्योर कि जो उसकी वेबसाइट से आता है उस पर कमर्शियल लिखा है या नहीं, बट जो बंदा था जिससे हमने वहां लिया जो डेमो के लिए था, उस बंदे ने बोला था कि यहाँ पे जो कॉस्को में है दैट इज कमर्शियल, अगर आप ऑनलाइन देते हो आई थिंक एमेजोन से या कहीं और से, आई एम नॉट श्योर अबाउट द वेबसाइट क्योंकि वेबसाइट पे तो कमर्शियल अलग से शायद मिलेगा, बट अगर आप एमेजोन से लेते हो या कहीं से लेते हो वहां पे आपको कमर्शियल नहीं मिलेगा, लाइक कमर्शियल हैज सम टाइप ऑफ कोटिंग जो कि जो नॉन कमर्शियल है उनमें नहीं होगा, क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली मुझे भी उतना ज्यादा नहीं पता है, यू कैन गो ऑनलाइन एंड सर्च इट, सो बाकी तो मैं अपना यूज करके बता सकती हूँ। सो ये तीन है, ये तीन का सेट है, सो इसमें सबसे बड़ा जो है दिस इज दिस मतलब अच्छा खासा कढ़ाई, इसके अलावा जो है दिस चाय का हत्ता लुक लाइक थिंग बट ये सब्जी के लिए काम आएगा एंड वो वॉक भी मेरे को काम आएगा, एंड मैं स्टैक करके बता देती हूँ, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई, सो ये गया अंदर एक, एंड इसमें जाएगा ये ढक्कन शायद नहीं, ये दूसरा, तो मैं इसमें अपोजिट रख सकती हूँ इसको, देन अगर मैं इसको अपोजिट रखूंगी तो मतलब कुछ ऐसा टाइप का हो जाएगा, सो ये ऐसे स्टैक हो जाएगा। उसका बाकी इसके रिव्यूज मैं डे बाय डे यूज करती जाऊंगी तो किसी भी अदर वीडियो में मैं नॉर्मली बता दूंगी कि कैसा है कैसा लग रहा है मुझे, एंड या डेफिनेटली द प्राइस, सो आई एम नॉट लाइक कन्वेइंग और इनकरेजिंग एनी वन जो कि कॉस्को से खरीदो आप, आई एम नॉट श्योर कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे कॉस्को में ये अवेलेबल होगा या नहीं, बिकॉज कॉस्को इज लाइक आज चीजें हैं अगर स्टॉक खत्म मतलब गए, और उसका कोई श्योरिटी नहीं होती कि कब वो लोग वापस लगाने वाले हैं, सो दिस इज नॉट श्योर, एंड सो मतलब आप वेबसाइट से खरीद सकते हो या जहां से भी आपको अवेलेबल आप खरीद सकते हो, तो मैंने आपको एक्चुअल प्राइस बताया जिसमें मैंने खरीदा, सो दिस इज 299 एंड वो 349, सो लाइक टोटल मुझे कुछ 650 इन टोटल पड़ा विथ 49 टैक्स, तो मतलब कुछ $700 का दोनों सेट पड़ा है मुझे, सो विच इज मतलब कुछ लोगों को लगेगा एक्सपेंसिव होगा बट मेरा ये फर्स्ट सेट है, मैंने इससे पहले कुछ नहीं खरीदा है यहाँ पे, और मुझे स्टेनलेस स्टील पे जाना था तो वो भी है, बट ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ है तो मैं लाइफ टाइम इसको चलाने वाली हूँ, तो मैंने वैसा सोच के लिया है और इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट क्योंकि आप खाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, तो दिस इज अ गुड थिंग देन व्हिच कम्स फ्रॉम लाइक यू मीन लाइक पॉप अप एंड हियर इट्स अ मल्टी-लेयर्ड पैन एंड yeah the three layers reinforce it and then you have the ceramic on top so it's really like a fourth layer I've never had that issue and I always when it's hot to cool it off I put it under cold water which would warp others and here I don't even have that issue so
सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों ने अगर किसी ने खरीदा है और आपके पास उसके कोई रिव्यूज हैं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, वट एवर इट इज. एंड मैं अपने रिव्यूज किसी भी अदर वीडियोज में शेयर कर दूंगी. सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.